अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है कासिम मलिक और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं MI का न्यू फोन जो आया है MI Redmi Note 9S। इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि फोन कैसा है। ये हमारे पास अरोरा ब्लू कलर के अंदर आया है। इस फोन की बहुत सी खास चीजें हैं, जैसे कि इसकी बैटरी है बहुत ही बड़ी 5020 मिलियन एम्पीयर पावर की और इसकी प्राइस जो कि बहुत ही अमेजिंग 39,999 रुपीज़। तो चले जी, वक्त जाया नहीं करते, मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मोबाइल कैसा है। तो व्यूअर्स, ये है Redmi Note 9S का बॉक्स। तो यहाँ पर ये पहले प्लास्टिक हम रिमूव कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी Redmi Note 9S, ये इसका है वारंटी कार्ड। वारंटी जो है इसकी अगस्त में स्टार्ट होनी है। ये टेक सरात की वारंटी के अंदर हमें मिलता है और एक स्मार्ट लिंक की वारंटी भी आती है। यहाँ पर नीचे हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है जी 6 GB रैम है और 128 GB हमारे पास स्टोरेज है और ब्लू कलर के अंदर है जी हमारे पास, और बॉक्स के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो चलें जी बॉक्स ओपन करते हैं और आपको फ़ोन दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ बॉक्स ओपन करते साथ हमें मिलता है एक और बॉक्स। बॉक्स में तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये सिम इंजेक्ट पिन है और यहाँ पर यूज़र मैनुअल गाइड है जो कि कोई भी नहीं पढ़ता फिर भी आती है साथ में। और यहाँ पर हमें एक मिलता है सिलिकॉन केस जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। उसके बाद हमें मिलता है फ़ोन। फ़ोन को रखते हैं एक दफ़ा साइड पर और देखते हैं हमें बॉक्स में और क्या मिला है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चार्जर ब्रिक है जो कि MI का फास्ट चार्जर है। यहाँ पर आप अपने USB केबल लगा सकते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ये चार्जर कितने वाट का है। तो ये 22.5 वाट का फास्ट चार्जर है जबकि मोबाइल जो है वो 18 वाट को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपको मिलती है USB टाइप सी की केबल जो कि फास्ट चार्जिंग केबल है। इससे आप अपने मोबाइल को फास्ट चार्ज कर सकते हैं और डाटा ट्रांसफर। और यहाँ पे हमें हैंड फ्री देखने को नहीं मिलती क्योंकि MI के किसी फ़ोन के साथ अभी तक हमने हैंड फ्री नहीं देखी। तो अब आते हैं जी फ़ोन की तरफ। फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा ये अरोरा ब्लू कलर है। तो चलें फ्रेंड्स फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। और एक्टिव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक फ़ोन एक्टिव हो रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ये नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम Redmi Note 9S को यूज़ करेंगे 2-3 दिन और फिर इसका रिव्यू भी अपलोड करेंगे ताकि हम आपको बता सकें कि ये डिवाइस कैसी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फ़ोन है Redmi Note 9S Power to Win वो ऑन हो चुका है और हमारे पास यहाँ बहुत ही प्यारा डिस्प्ले 6.67 इंच का फुल HD+ डॉट डिस्प्ले है। तो यह हमारे पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पंच होल है और यहाँ पे हमें एक मिलता है कैमरा जो कि 16 MP का है। उसके अलावा यहाँ पे हमें मिलती है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो कि Qualcomm Snapdragon 720G का इसमें प्रोसेसर है। उसके बाद हम आगे बात करते चलें तो हमारे पास यहाँ पे जो बैटरी मिलती है Redmi Note 9S में वो 5020 मिलियन एम्पीयर पावर की अल्ट्रा हाई कैपेसिटी बैटरी है जो कि 18 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो आउटस्टैंडिंग हमारे पास इसका डिज़ाइन है। अगर हम आपको बताते चलें तो यहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिकल डिज़ाइन है। तो यहाँ पर हम बैक साइड पर देखें तो हमारे पास 3D कर्व ग्लास है जो कि गुड ग्रिप और मैक्सिमम कंफर्ट आपको फ्राहम करता है, आप देख सकते हैं। साथ ही हम देखें तो हमारे पास साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है जो आप देख सकते हैं, जो एक फिंगरप्रिंट भी है और साथ में ये बटन भी है, आप इसे क्लिक भी कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी फिंगरप्रिंट की स्पीड कैसी है। 91% यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। तो यहाँ पर हम आपको बताएं तो यहाँ पे ये है जी क्वाड कैमरा सेटअप, 4 कैमरास हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें लगाए गए हैं। तो 1 by 1 हम आपको कैमरों के बारे में बताते हैं कि कौन सा कैमरा कितने मेगापिक्सल का है और क्या क्या कैमरे काम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो फर्स्ट कैमरा है ये 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा
उसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, उसके बाद हमें मिलता है नीचे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, प्लस हमें मिलता है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, जिससे आप बहुत ही करीब से बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर्स ले सकते हैं। ये हम अपने रिव्यूज़ में आपको तमाम पिक्चर्स जो हैं वो दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अमेजिंग बात बताऊँ तो यहाँ पे आपको बैक पे और फ्रंट पे दोनों पे गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, जो कि आपके मोबाइल की अच्छी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मोबाइल स्क्रैचेस वगैरह से और गिरने वगैरह से आपका महफूज रह सकता है। तो बाकी आपको फ़ोन दिखाएं तो ऊपर यहाँ पे हमें मिलता है ये माइक, और ये इंफ्रारेड है, यहाँ पे लॉक बटन है और वॉल्यूम अप की बटन है, और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है जैसे मैंने आपको बताया। नीचे देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है एक स्टैंडर्ड हेडफोन जैक। वाओ, ज़बरदस्त हेडफोन जैक अभी तक MI ने रखा है, ये बहुत अच्छी बात है, इसका अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल है। यहाँ पे आपको मिलता है एक टाइप सी का चार्जिंग जैक, और यहाँ पे मिलता है आपको माइक और ये स्पीकर मिलता है। इस साइड पे हमारे पास है सिम ट्रे, आपको ये दिखाते हैं कि आप यहाँ पे कितने सिम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी सिम ट्रे, यहाँ पे आप 2 सिम्स प्लस मेमोरी कार्ड एट अ टाइम इसमें यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोन जो है वो बहुत सी क्वालिटीज़ का हामिल है। यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर जो इसमें अवेलेबल कलर्स मिलेंगे, वो फर्स्ट कलर है हमारे पास अरोरा ब्लू, जो कि हमारे पास है, सेकंड कलर वाइट कलर, और थर्ड कलर जो हमारे पास है यहाँ पे वो ग्रे कलर है। अब हम आपको थोड़ा मोबाइल की चीज़ें दिखा देते हैं कि हमारे पास अवेलेबल स्टोरेज क्या है, उसके बाद हम इसका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास अवेलेबल स्टोरेज जो है वो 109 GB की अवेलेबल स्टोरेज है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास रैम है वो 6 GB की रैम हमें इसके अंदर मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको इसका फिंगरप्रिंट लॉक और फेस अनलॉक दिखाते हैं कि उसकी कैसे स्पीड है। तो हम पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इसका फिंगरप्रिंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। अब हम यहाँ पे जो अपना थंब है वो इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा थंब है वो इसमें इंस्टॉल हो चुका है। आपने बटन को पुश नहीं करना, सिर्फ ऊपर रखना है, तो आप इजीली इसमें जो अपना फिंगरप्रिंट है वो इंस्टॉल कर लेंगे। अभी हम पहले फिंगरप्रिंट चेक करते हैं कि कैसे स्पीड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आप क्लिक भी नहीं करेंगे, सिर्फ इस पर टच ही करेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक हो जाएगा, और अगर आप बटन भी दबा देते हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, फिर भी आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे हमें बहुत ही अमेजिंग स्पीड देखने को मिल रही है, इसे आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग हमें यहाँ पे अनलॉक की स्पीड मिल रही है। इसके साथ साथ हम इसका फेस अनलॉक भी चेक कर लेते हैं कि वो कैसा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ऊपर आपको टिक का निशान नज़र आ जाता है, जो कि हमारा फेस अनलॉक हो जाता है। तो फेस अनलॉक की स्पीड तो आउटस्टैंडिंग है जनाब। और फिंगरप्रिंट की भी हमने दिखाया आपको और फेस अनलॉक भी दिखाया, दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त हमें स्पीड जो है यहाँ पे फ्राहम कर रहे हैं रेडमी नोट 9S में। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे कैमरों की बात करें तो ये हमारे पास 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें आप अलहदा से पिक्चर ले सकते हैं 48 मेगापिक्सल की, क्योंकि बहुत ही डिटेल पिक्चर है। नाइट मोड है जी, प्रो मोड है इसमें, पैनोरामा और स्लो मोशन भी आप यहाँ पे इसमें बना सकते हैं। फ्रंट कैमरा मैंने आपको बताया 16 मेगापिक्सल का है, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। नेक्स्ट रिव्यू की वीडियो के अंदर हम आपको पिक्चर्स लेके दिखाएंगे डिफरेंट के हमारा कैसा इसमें रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी रेडमी नोट 9S की अनबॉक्सिंग। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।